राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ सोयाबीन बीज अंकुरण प्रतिशत जानने के बारे में। किसान भाइयों, अपन बात करेंगे अंकुरण जांच क्यों आवश्यक है और अपन घर पर आसान तरीके से कौन कौन सी विधियों से अंकुरण जाँच कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अंकुरण जाँच इसलिए आवश्यक है खेत में सोयाबीन की उचित पौध सुनिश्चित करने व अच्छा उत्पादन लेने के लिए अंकुरण जाँच आवश्यक है। कम से भी कम 70% बीजों का अंकुरण प्रतिशत बुआई के लिए बहुत ज़रूरी है। और अंकुरण जांच हमेशा बुआई से 1 से 2 सप्ताह पहले यानी 7-8 दिन पहले अपन जांच लें, ताकि सही समय पर अपन अगर बीज खराब हो या फिर जर्मिनेशन या अंकुरण प्रतिशत कम हो तो अपन बीज बदल लें और उचित बीज का अपन चुनाव कर सकें। किसान भाइयों, अपन बात करेंगे पहली विधि जो 1x1 मीटर क्यारी विधि है। इसमें अपन क्या करेंगे, 100 बीजों का चुनाव करके उनको पंक्तियों में उसमें बोएंगे और उसमें उसके बाद में झारे से उसमें हल्की हल्की सिंचाई कर देंगे ताकि इसमें नमी बनी सके। और अपन देखेंगे 7-8 दिन बाद इसमें अंकुरण होने लग जाएगा। अगर 100 में से 70 बीजों में अगर अंकुरण हुआ है तो ये बीज बुआई के लिए सही है, इसको आप बुआई में काम में ले सकते हैं। अगर 70 से कम बीज अगर उगते हैं तो ये बीज सही नहीं है, या फिर अगर 60% तक भी उगता है तो आप इसमें बीज दर बढ़ाकर अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर 60 से भी कम अगर बिल्कुल बीज अंकुरण होता है तो ये बीज बुआई के लिए सही नहीं है, इसलिए दूसरे बीज का चुनाव करें। अब अपन बात करेंगे बीज अंकुरण जांचने की दूसरी घरेलू विधि, अखबार विधि, जिसको अपन आराम से घर बैठे जांच सकते हैं। इसमें अपन को सबसे पहले अखबार लेना है और उसमें ऐसे सल बनाकर उसमें जैसे क्यारी टाइप में उसमें लाइनिंग करनी है। और इन लाइनिंग में अपन जैसे अगर 5 लाइनिंग कर लेंगे तो 20 बीज एक एक लाइन में डालकर 100 बीज डाल लें। और ऐसे बीज आप देख सकते हैं इस वीडियो में, बीज डाल लिया अपन ने, फिर इसको हल्का हल्का अपन को गीला करना है और फिर इसको वापस समेट करके दोनों तरफ इसको धागे से दोनों तरफ से बांध देंगे ताकि बीज इधर उधर हिले नहीं। और इसको पर्याप्त मात्रा में गीला करके अंधेरे में रख देंगे। 2-3 दिन बाद इसमें देखेंगे आप इसमें अंकुरण हो जाएगा। अगर 70 बीज उगते हैं तो ये बीज बुआई के लिए लायक है और इसको आप काम में ले सकते हैं। अगर 70 बीज से अगर कम अंकुरण होता है तो इस बीज का आप बुआई में काम में नहीं लें और दूसरे बीज का चयन करें। अब किसान भाइयों, अपन बात करते हैं अंतिम विधि और जूट की बोरी विधि, जो भी अपन आपके आसानी से घर में उपलब्ध हो सकती है। एक जूट की बोरी लेंगे, उसमें अपन ऐसे 100 बीज रखकर उसको पर्याप्त मात्रा में गीला कर लेंगे नमी करके, और इसको वापस पलट दे इसमें जूट की बोरी से इसको ढक देंगे और उसको भी गीला कर देंगे ताकि पर्याप्त मात्रा में नमी बने रहे। और इस जूट की बोरी में इसको कहीं अंधेरे में रख देंगे और देखेंगे 2-3 दिन बाद इसमें अंकुरण होने लग जाएगा। उस अंकुरण को आप गिन लें। अगर 100 में से 70 बीज में अगर अंकुरण होता है तो ये बीज अच्छा है, बुआई के इसमें आप काम में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय किसान भाई।